हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजु ज्ञान। तो यहाँ आम रिवर्स ऑफ इंडिया रा पार्ट टू आम सेकंड क्लास चलती। तो आम लास्ट क्लास रे कितना क्वेश्चन सॉल्व करते ज्योग्राफी रे आम रिवर्स विषय एंड पॉलिटी रे इलेक्शन प्रोसीजर विषय। तो आज भी आम से कंटिन्यू रखा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन को जीवा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांस हिमालयन रिवर। द ट्रांस हिमालयन रिवर फर्स्ट कौन बुझा, ट्रांस हिमालयन रिवर है जोटा कि आम ऑरिजिन करे बियॉन्ड द ग्रेट ग्रेट हिमालयज और कौन कह जाए हिमाद्री भी कह जाए। ओके, हिमाद्री और ग्रेट हिमालय। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांस हिमालयन रिवर। तो यहाँ आम ऑरिजिन करे कौटू आम ग्रेटर हिमालय बियॉन्ड तार बियॉन्ड आम ऑरिजिन करे। ठीक अच्छे, एंड दीज आर द इंदस। यहाँ कौन कौन हम आम ट्रांस हिमालयन रिवर गोटे लिस्ट देखिए कौन कौन, इंदस रिवर, सतलेज रिवर आउ ब्रह्मपुत्र। तीनटा अच्छे, इंदस, सतलेज आउ ब्रह्मपुत्र रिवर। एंड हिमालयन रिवर्स आर दोज विच ऑरिजिनेट इन द हिमालयस। ठीक अच्छे, एंड फ्लोज थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स। ओके, तो हिमालयन रिवर आम कह जानीगले और ट्रांस हिमालयन रिवर आम कौटू जोटा कि बियॉन्ड ग्रेटर हिमालय आम ऑरिजिन करती तो सेठू। ओके, तो यहाँ आम कौन हो आंसर, सतलेज रिवर। ये आम देखे तीन टा ही ट्रांस हिमालयन रिवर अच्छे, सतलेज अच्छे, इंदस आउ ब्रह्मपुत्र। सतलेज, इंदस आउ ब्रह्मपुत्र। ठीक अच्छे, तो तीन टा आम ट्रांस हिमालयन रिवर्स हो गला। तो बुझिपारे ट्रांस हिमालयन रिवर्स एंड हिमालयन रिवर्स भितर डिफरेंस कौन, आई होप समस्त को क्लियर हो जाए। ओके, देन आलामाटी, द आलामाटी इज ऑन विच रिवर। तो आलामाटीटा बेसिकली गोटे रिजर्वियर, तो ये पचारे कि ये रिजर्वियरटा को रिवर उपरे बिल्ड है, तो यार आंसर कौन है जीवा? कृष्णा रिवर। ओके, तो आलामाटी रिजर्वियरटा आम कृष्णा रिवर उपरे बिल्ड है। एंड एटा है कौन हुए, कृष्णा रिवर रेनी सीजन रे बहुत ज्यादा फ्लडिंग हुए ना, तो ये है पूरा मैक्सिमम लेवल पर्यंत से रीच कर जाए। ओके, इसलिए बहुत अधिका मैंने फ्लडिंग हुए तो पूरा मैक्सिमम लेवल पर्यंत रीच कर जाए और से का ये रिजर्वियरटा आम बिल्ड है। तो आलामाटी रिजर्वियर कृष्णा रिवर मन रखिदेवे। देन एटा है से जो आलामाटी रिजर्वियर गोटे पिक्चर, आउ या को आउ कौन कहते या को आगुरु कहते कि लाल बहादुर शास्त्री डैम। ओके, तो यहाँ है कृष्णा रिवर केबे स्टार्ट है, सॉरी केबे कंप्लीट है, 2005 रे हमर कंप्लीट है, या को कहते लाल बहादुर शास्त्री डैम। तो यहाँ लाल बहादुर शास्त्री डैम कृष्णा रिवर ऊपर आम 2005 रे कंप्लीट है। आउ ये कहीं बिल्ड होता बिकज जितेबाला बहुत हेवी रेनफॉल होता तो कृष्णा रिवर रा माने पानी पूरा मैक्सिमम लेवल पर्यंत आस जाऊला ताकू कंट्रोल करापाई यहाँ आम कंस्ट्रक्ट कराई। ओके, ये आप पिक्चर देख पड़ते आलामाटी रिजर्वियर रा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेनिनसुला रिवर्स विच डू नॉट जॉइन द अरेबियन सी। तो ये जो ऑप्शंस दे छी या भीतर को पेनिनसुला रिवरटा आम अरेबियन सी को जॉइन करते नहीं मैंने कौन सीधा आम ईस्ट फ्लोइंग। ओके, तो कौटा आम ईस्ट फ्लोइंग बोली दे छी, तो यार आंसर कौन है जीवा? नर्मदा एंड तापी केबे भी हबनी, तो यहाँ कौन है जीवा? गोदावरी एंड कृष्णा। ठीक अच्छे, तो ये दुटा आम ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। गोदावरी कौटु आसीबा? गोदावरी है आम नासिक हिल्स रु आसीबा महाराष्ट्र, और कृष्णा आम आसीबा कौन कौटु आसीबा कृष्णा मत कमेंट रे कहतु यार ऑरिजिन कौन। ओके,
मु जस्ट प्रीवियस क्लास रे कहिछि कि कृष्णा रिवर कोठु ओरिजिन हुए सो टेल मी इन द कमेंट्स कि एटा कोठु ओरिजिन हबो देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनलैंड रिवराइन पोर्ट तो फर्स्ट देखिबा कि इनलैंड रिवराइन पोर्ट माने कौन आ टोटल इंडिया रे हमर गोटे ही इनलैंड रिवराइन पोर्ट अछि ता माने कौन सो बेसिकली एटा गोटे इनलैंड वाटर वे गोटे इनलैंड चैनल टाइप रो ओके जोटा कि मे और मे नॉट बी कनेक्टेड टू द सी ठीक अच्छे तो एटा कौन एटा हला गोटे इनलैंड चैनल या फिर गोटे इनलैंड वाटर वे जोटा कि सी को आइदर कनेक्ट करिबो कि नाई ठीक अच्छे आउ कौन कहती ड्राई पोर्ट भी कहती ओके तो एटा आमर आंसर हो जिवो कोलकाता तो कोलकाता ओनली गोटे ही इनलैंड रिवराइन पोर्ट अच्छी आमर इंडिया रे तो कोलकाता आमर माने ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली ओके तो एटा हला हुगली रिवर सो इनलैंड रिवराइन पोर्ट रो मीनिंग आई होप समस्ते बुझ पड़थिबे देन नेक्स्ट क्वेश्चन द मेन रिवर फ्लोइंग इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो देची एटा भी हमारा इम्पोर्टेंट कि आमको पचार दबो कि गोटे प्लेस दे थिबा आइदर से स्टेट दे थिबा ना से स्टेट रु ही गोटे रीजन दे थिबा कि ए रीजन अलोंग को रिवर फ्लो करची तो एटा कौन है जीवा जम्मू एंड कश्मीर रे हमारा झेलम रिवर फ्लो करे तो आप मन रखिया को इजी जम्मू एंड कश्मीर झेलम जे जे तो यू कैन इजिली रिमेम्बर ओके आउ द झेलम रिवर टा हला द मेजर हिमालयन रिवर जोटा कि आमर जम्मू एंड कश्मीर रे फ्लो करिबो कश्मीर वैली देगी पूरा आउ कौन कौन रिवर ये फ्लो करे इंदस है गला रावी चेनाब बिकॉज आम देखिथिले कि पूरा कंप्लीट इंदस रिवर सिस्टम टा ही जम्मू एंड कश्मीर देकी जाउछि तो बेसिकली इंदस रे जहाँ भी ट्रिब्यूटरीज अछि सब ए रीजन देकी फ्लो करिबो तो यार आंसर है गला झेलम सो एठी केतरा लिस्ट अच्छी को रिवर को प्लेस रे कौन देखी सब फ्लो करिबो तो क्विकली थरे आमे पढ़ी दबा तो फर्स्ट हमरा देची गोदावरी रिवर तो गोदावरी रिवर हमरा महाराष्ट्र रे देखी फ्लो करे महाराष्ट्र रे गोटे अच्छे गंगा खेड तो एठी आपन को कहि देची कोटा कोटा इंपॉर्टेंट मन रखिबा लायक ओके तो आगरा आगरा बहुत इंपॉर्टेंट को रिवर देखी आगरा रे फ्लो करची यमुना रिवर को स्टेट रे अच्छी यूपी रे अच्छी अहमदाबाद साबरमती रिवर गुजरात रे अच्छी ठीक अच्छी इलाहाबाद इलाहाबाद तो को रिवर देखी से फ्लो करची गंगा यमुना सरस्वती और एटा भी आम यूपी रे अच्छी ठीक अच्छे गंगा यमुना सरस्वती कॉन्फ्लुएंस बोली कहते तो सीटा है आम इलाहाबाद तापर अयोध्या अयोध्या भी इम्पोर्टेंट इटा है सरायू रिवर आमर यूपी रे अच्छी अयोध्या तापर बद्रीनाथ बद्रीनाथ आम जितकी भी नॉर्दर्न रिवर्स अच्छी कि नॉर्दर्न स्टेट्स अच्छी तो सेगुड़ा ए मैंने बिहाफ रु बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाऊँगी बिकज आम नॉर्दर्न स्टेट रे मैक्सिमम रिवर फ्लो करती तो से ठीक अच्छे तो बद्रीनाथ आमर उत्तराखंड रे अच्छी को रिवर देखी फ्लो करुच्ची अलकानंद तापर ओडिशा रे गोटे अच्छी बांकी बांकी रे आमर को रिवर देखी फ्लो करुच्ची महानदी रिवर आउ गोटे एठी ओडिशा रे देची कटक तो कटक रे भी आमर महानदी फ्लो करुच्ची देन आउ गोटे अच्छी आमर भगतपुर भगलपुर एटा आमर बिहार रे अच्छी भगलपुर एठी आमर गंगा तापर ओडिशा देछि ऋषिकुल्या रिवर तो ऋषिकुल्या रिवर को जगह देखी फ्लो करे गोटे हेला छत्रपुर आ गोटे हेला ब्रह्मपुर ठीक अच्छे तो एटा तो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट या गोटे स्क्रीनशॉट नहीं जानते एंड सब गोटे जगह रे नोट्स बने के लिख दियंतु सो दैट इजिली रिमेम्बर करहब तो आओ केतरा देखिबा रिवर्स तापर हेला गुवाहाटी तो गुवाहाटी आमर जानते आसाम रो कैपिटल गुवाहाटी एठी हेला ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करुच्ची तापर हरिद्वार हरिद्वार आमर उत्तराखंड रे अच्छी एठी हेला गंगा रिवर फ्लो करुच्ची तापर गोदावरी रिवर गोदावरी आमर तेलंगाना रे गोटे प्लेस अच्छी रामगुंडम तेलंगाना रे गोटे प्लेस अच्छी रामगुंडम तो सेठी आमर गोदावरी रिवर फ्लो करे देन मध्य प्रदेश
जबलपुर मध्य प्रदेश आमर नर्मदा फ्लो करछि ठीक अछि। तापर जौनपुर, जौनपुर टा आमर यूपी रे अछि। तो जौनपुर यूपी एठी को रिवर फ्लो करछि गोमती रिवर। गोमती रिवर कहार ट्रिब्यूटरी आपण मते कुहंतु। गोमती रिवर टा हला कहार गंगार ट्रिब्यूटरी। ओके तापर राजमुंद्री, तो राजमुंद्री आमर आंध्र प्रदेश अच्छी। एठी आम आंध्र प्रदेश जानचे कि बहुत इंपोर्टेंट रिवर आमर आंध्र प्रदेश कौन गोदावरी रिवर ठीक अच्छे। तापर श्रीनगर, श्रीनगर एटा बहुत ही इंपोर्टेंट। श्रीनगर आमर जम्मू एंड कश्मीर अच्छी। एठी है झेलम रिवर फ्लो करछि। तापर सूरत, सूरत आमर गुजरात रे अच्छी। एठी है तापी रिवर फ्लो करछि ठीक अच्छे। तो आप यार भी नहीं जानते गोटे स्लाइड स्क्रीनशॉट। ओके सो यार भी गोटे स्क्रीनशॉट नहीं जानते जहाँ भी सब टेबल अच्छी ताको एट अ टाइम गोटे प्लेस लिखदेवे। ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज वृद्धा गंगा। या भितर वृद्धा गंगा कहाँ को कहा जाए तो यहाँ है गोदावरी। ओके तो वृद्धा गंगा है आमर गोदावरी। कहें कि वृद्धा कहा जाए बिकज गोदावरी है बहुत ही लार्जर रिवर पेनिनसुलार मीन्स आफ्टर गंगा सब लार्जेस्ट है गोदावरी ही अच्छी आमर ठीक अच्छे। फर्स्ट है गंगा एंड गोदावरी है सेकेंड रिवर और से वृद्धा गंगा बोली कह जाए। ओके देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी ऑल्सो। तो ये इंद्रावती रिवर। तो इंद्रावती रिवर कहार ट्रिब्यूटरी गोदावरी। आउ गोटे इंपॉर्टेंट कथा है जदि ओ इंद्रावती रिवरटा है आम गोदावरी ट्रिब्यूटरी बट से ऑरीजिन कौटी हुए ऑरीजिन हुए कलाहांडी। ओडिशा रा कलाहांडी रे सेटा आमर ऑरिजिन हुए जदिओ सेटा इंदा सॉरी गोदावरी रा ट्रिब्यूटरी। ओके तापरे द यमुना एंड द सोन आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। तो एटा आमर वेरी इजी क्वेश्चन गंगा रिवर। इनफैक्ट यमुना रिवर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ठीक अच्छे। तो एटा हला आमर लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा ठीक अच्छे। तो यमुना रिवरटा आमर गंगार सब लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। ओके देन द करेक्ट सिक्वेन्स ऑफ दिस ए जो चार्टा ऑप्शन देछि आपनको रिवर या को कहैछि कि अरेंज करंतु नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन रु माने फ्लो डायरेक्शन ओके नॉर्थ रु साउथ अरेंज करंतु। तो एटा कोन हेजि बा हमर आंसर। फर्स्ट हमर हबो ठीक अछि किशन गंगा देन वाई गंगा देन पेन गंगा ठीक अच्छे। तो यार करेक्ट सिक्वेन्स दे ही देछि ऑलरेडी। ओके तो 1 2 3 4 नॉर्थ रू साउथ अरेंज कले एमती रहा 1 2 3 4 एज इट इज। ओके देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स एग्जिस्टेड बिफोर द अपलिफ्ट ऑफ द हिमालय। तो आम जानचे कि हिमालयन माउंटेन फॉर्मेशन है आमर 5 टोटल फेज अच्छी हिमालयन माउंटेन फॉर्मेशन। तो से माउंटेन फॉर्मेशन पूर्व या भितर ब्रह्मपुत्र सतलेज इंदाज एंड भागीरथी। तो भागीरथी आमर गंगार ट्रिब्यूटर ना अलकानंद भागीरथी। तो मैंने माउंटेन फॉर्मेशन पूर्व को रिवर्स रहिला तो यहाँ कौन है आंसर। तो यार आंसर है ब्रह्मपुत्र सतलेज एंड इंदाज। ओके ब्रह्मपुत्र सतलेज एंड इंदाज। तो ए बी सी आंसर है जीवा। तो ए तीन टा रिवर है एग्जिस्ट करछंती बिफोर द माने हिमालयन अपलिफ्ट रा पूर्व ही हिमालयन फॉर्मेशन रा पूर्व ही ए तीन टा रिवर आमर एग्जिस्ट करछंती। ता माने आमे त कहि परबा कि ओल्डेस्ट रिवर भी कहि परबा ठीक अछि। देन नेक्स्ट क्वेश्चन तो एट देछि अरेंज करा बैंक फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ओके मु ऑप्शन आई सो देखी सारी ऑप्शन बट इट्स फाइन।
तो ये देखिए आप साउथ रु नॉर्थ को अरेंज करेंगे तो कौन होटा तो देखिए कावेरी कृष्णा गोदावरी और महानदी तो आमर गोदावरी कृष्णा कावेरी तो पूरा साउथ रवेरी तापरे कृष्णा तापरे आमर गोदावरी एंड देन महानदी ठीक अच्छे तो साउथ रहा 1, 2, 3, 4 ओके तो ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिनसुलर इंडियन रिवर डज नॉट मीट द अरेबियन सी तो आम ये जो को रिवर अरेबियन सी रे फॉल करुच्ची कौटा बे ऑफ बंगाल तो आम बहुत काफ़ी सारा क्वेश्चंस कले आई होप क्या किसी भी डाउट रो न मैंने पार्ट्रे बिकज आम बहुत क्वेश्चंस कले ये बहुत इम्पोर्टेंट भी ठीक अच्छे तो यहाँ है डज नॉट मीट द अरेबियन सी ताप्ती तो मीट कर नर्मदा भी मीट कर पेरियर रिवर भी मीट कर आंसर कावेरी ओके तो पेरियर रिवर टाइम कर्नाटक अच्छी आ पेन्नर गोटे अच्छी केरल अच्छी ठीक अच्छे देन अमरावती भवानी हेमवती एंड कावीनी आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर तो आम लास्ट क्लास कावेरी रिवर सिस्टम रो फुल आम मैप देखी थे ड्रेनेज बेसिन देखी थे तो आम देखी थे कि अमरावती एंड कावीनी आपटा नेम मन भी ना सो अमरावती एंड कावीनी दे आर वेरी फेमस नेम्स तो से देखिए जानदेवे कि यहाँ आम कावेरी रिवर रो ट्रिब्यूटरीज ठीक अच्छे अमरावती भवानी हेमवती आउ कावीनी द सियाचिन ग्लाशियर्स मेल्टिंग वाटर आर द मेन सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स तो यही भितर को रिवरटार ऑरिजिन हो था सियाचिन ग्लाशियर मेल्टिंग द्वारा तो यहाँ है नुब्रा वैली नुब्रा ओके शोक नुब्रा गिलगिट ये सब कह रहा ब्रह्मपुत्र ट्रिब्यूटरीज ठीक अच्छे तो शोक नुब्रा ये सब ब्रह्मपुत्र ट्रिब्यूटरीज और नुब्रा है आम ऑरिजिन होता है कौथिपाई का जिते बड़े ग्लाशियर रे आइस मेल्ट हुए तो से रिवरटा ऑरिजिन हुए देन द वर्ल्ड हाइएस्ट रेल ब्रिज एटा को बीइंग कंस्ट्रक्टेड यहाँ को रिवर उपर है तो आप देखिपे कि रिवर उपरे को रिवर उपरे कौन रिजर्वियर अच्छी कि कौन ब्रिज अच्छी को रिवरटा को स्टेट दे कि फ्लो कर एमती भी बहुत गुड़े क्वेश्चन आसुची तो यार आंसर कौन होटा है चेनाब हाइएस्ट रेल ब्रिज तो आम फर्स्ट डायग्राम देखीदबा रेल ब्रिज डायग्राम से देखु यहाँ है चेनाब कितने सुंदर देखा सो ब्यूटीफुल तो यहाँ है डायग्राम चेनाब ब्रिज ओके चेनाब आम रेल रेल ब्रिज ठीक अच्छे तो पुणे प्रीवियस स्लाइड को चलतु तो यार आंसर है जीवा चेनाब सो चेनाब आम हाईएस्ट मान एलिवेशन के दरकार तो यहाँ है 359 मीटर ओवर द चेनाब रिवर तो इट इज द वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन अच्छी और को जम्मू एंड कश्मीर को डिस्ट्रिक्ट तो यहाँ है बक्कल आउ कोड़ी डिस्ट्रिक्ट ठीक अच्छे बक्कल एंड कोरी रीजन रे इटा आमर कंस्ट्रक्शन हो चलती अंडर कंस्ट्रक्शन अच्छी तो यार आंसर हो चेनाब चेनाब आमर वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज ओके तो यहाँ है डायग्राम देन गुवाहाटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर तो गुवाहाटी आमर कहार कैपिटल आमर आसाम कैपिटल तो यहाँ है ब्रह्मपुत्र रिवर कहीं आसाम अरुणाचल प्रदेश जहाँ भी क्वेश्चन आसो तो मोस्टली से ब्रह्मपुत्र रिवर ही फ्लो करे और एपटे आम यदि कश्मीर आड़े देखा तो सेठी आम इंदस रिवर फ्लो करे ठीक अच्छे तो ये गुवाहाटी जेहेतु आसाम कैपिटल से ये ब्रह्मपुत्र रिवर आसव
सो गुवाहाटी इज एन इम्पोर्टेंट सिटी कोठी प्रेजेंट अच्छी एट द फुट हिल्स ऑफ द शिलोंग प्लेट्यू. ओके शिलोंग प्लेट्यू इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र एंड गुवाहाटी हैज डिक्लेयर्ड गैंगेटिक डॉल्फिन. तो ये हमारे गैंगेटिक डॉल्फिन्स बहुत फेमस था बहुत देखा जाती और सेपा गुवाहाटी तार सिटी एनिमल बोली डिक्लेयर कर दे. ओके गैंगेटिक डॉल्फिन है गुवाहाटी सिटी एनिमल. गैंगेटिक डॉल्फिन लिखी दोची सिटी एनिमल ऑफ गुवाहाटी. ठीक अच्छे देन जी नेक्स्ट क्वेश्चन. द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ इंदस रिवर को था. सो दिस इज अगेन अ वेरी आई थिंक लास्ट क्लास में भी सेम क्वेश्चन टा ही थिला. तो इंदस रिवर ओरिजिन कोठु हमर हब मान सरोवर रु हब जोटा कि हमर कैलाश माउंटेन रे अछि. जेटा मु डिटेल्स से हमर लास्ट क्लास रे एक्सप्लेन करा है छि. सो इफ यू वांट यू कैन गो टू दैट स्लाइड एंड सी. ओके देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट आउट ऑफ इंडिया. तो आम जानते दुटा बहुत इंपॉर्टेंट रिवर आमर ब्रह्मपुत्र एंड सतलेज रिवर. ओके ब्रह्मपुत्र एंड सतलेज रिवर ए दुटा आमर आउटसाइड इंडिया ओरिजिन कर बिकज बीज रावी झेलम ये सब है इंदस ट्रिब्यूटरी और इंदस तो आम इंडिया रू ही ओरिजिनेट कर देखिले आम कैलाश माउंटेन रू ओरिजिन हुए. ओके तो यहाँ आमर इंदस रंदस आम कैलाश माउंटेन. ठीक अच्छे देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन. तो यहाँ आमर ज्योग्राफी क्वेश्चन सरला हमें 20 क्वेश्चन सॉल्व कले ज्योग्राफी देन जीवा पॉलिटी इलेक्शन रिलेटेड किसी क्वेश्चन देखा. ओके द फर्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम एज लिमिट फॉर एक्सरसाइजिंग वोट इन इंडिया. तो यहाँ है आमर 18 इयर्स एज यू ऑल नो यू ऑल आर एलिजिबल फॉर वोटिंग ऑल्सो. तो यहाँ आमर के 61st अमेंडमेंट एक्ट रे आमर 18 इयर्स होता बिकज इनिशियली 21 थिला. ओके इनिशियली आमर 21 थिला बट जो 61st अमेंडमेंट एक्ट है से आमर मैंने कंक्लूड कराला कि 21 रु 18 इयर्स को रिड्यूस कराई वोटिंग एज. ओके तो यहाँ 18 इयर्स देन विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन गिवस प्रोविजन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम इन आर कंट्री. तो इलेक्टोरल सिस्टम कौन होला एटा है आमर वोटिंग सिस्टम. ओके इलेक्शन रिलेटेड तो वोटिंग सिस्टम एटा तो यहाँ आर्टिकल कौन 324-329. तो आर्टिकल 324 आमर कौन कौन इलेक्शन कमिशन विषय. ओके तो आमर टोटल केते जना इलेक्शन कमिशन अच्छा आम टोटल मैक्स आगुरु थिले कि ओनली जने ही थिले बट एबे आमर माने आमर अलाउ कराई कि 3 इलेक्शन कमिशन मैक्सिमम रही पारे. ठीक अच्छे और तापाई आर्टिकल है 324 तो यहाँ आंसर हो गला बी. देन विच ऑफ दिस इज नॉट अ गुड रीजन टू से दैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक. तो यहाँ आम सल्व करलरेडी. ओके तो यहाँ आम अलरेडी सल्व करते यार आंसर कौन है आंसर ए बिकज इंडिया जेहेतु आमर मैंने कौन आम कंट्री पॉपुलेशन भी अधिका इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड तो मैंने ऑब्वियसली आमर वोटर्स भी अधिका ही रहिबे बट दैट डज नॉट मीन कि आम कहपर कि ड्यू टू दिस रीजन आमर डेमोक्रेटिक इलेक्शन. तो सेटा है इट्स नॉट अ जस्टिफिएबल आर्ग्यूमेंट. ठीक अच्छे इतना यार आंसर ऑप्शन 1. हु कंडक्ट्स द इलेक्शंस इन इंडिया. तो इंडिया रे इलेक्शन किए कंडक्ट करिबा तो ऑब्वियसली इंडिया रे इलेक्शन इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करिबा. ओके और इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन कंडक्ट करे सेटा हला हमर ओनली
सेंट्रल लेवल इलेक्शन थाए बिकज स्टेट इलेक्शन हमर पंचायती हे गला म्युनिसिपैलिटी हे गला ओके से सब होला स्टेट लेवल कंडक्ट करंती से माने जस्ट मैं लिखि दो जे एठी एटा हला ओनली सेंट्रल लेवल नॉट स्टेट और लोकल तो एटा ओनली सेंट्रल लेवल इलेक्शन ही हमारा कंडक्ट करे स्टेट या फिर लोकल नुहा देन व्हाट डज द टर्म इनक्यूबेंट इनक्यूबेंट माने करंट होल्डर ऑफ अ पॉलिटिकल ऑफिस ता हम जो पॉलिटिकल ऑफिस है गला लोकसभा है गला राज्यसभा है गला तो सेठी एबे जे करंटली मेंबर्स अछंती तांको हमर कहा जाए इनक्यूबेंट आ गोटे लोकसभा संगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म कौन अच्छी लेम डक ओके तो लेम डक कहा को कहा जाए तो जो मैंने लोकसभा रे ऑलरेडी मेंबर्स अच्छा बट इलेक्शन पर जदि तक आउ थे रिटेन न करा जाए ओके तो लेम डक है दोज हु आर नॉट रिटेन्ड आफ्टर इलेक्शन इन लोकसभा तंकु आ जाए लेम डक्स कि जो मैंने मैंने नुआ पार्टी इलेक्शन हेला टाइम रे जो मानको यदि प्रीवियस मेंबर्स मानको रिटेन करके न रखा जाए तंकु कहा जाए लेम डक्स ओके तो आम जो पार्लियामेंट रे जहाँ भी सब सेशंस अच्छे ता उपरे आ गोटे सेपरेट वीडियो मु आन के आसीबी जहाँ भी आम जो एडजॉइनमेंट हो गला तापर क्वेश्चन आवर हेला जीरो आवर हेला तो से सब उपर गोटे स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो मु आन के आसीबी ओके देन बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वोटिंग एज अमर 21 to 18 को आसला तो यहाँ है 61st अमेंडमेंट ठीक अच्छे देन नेक्स्ट क्वेश्चन टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन तो टेरिटोरी मैंने आम कौन बुझू टेरिटोरी मैंने आम गोटे जियोग्राफिकल एरिया को जस्ट अ मिनट हाँ तो टेरिटोरी माने हमें कौन बुझू आम गोटे जियोग्राफिकल एरिया को बुझाऊ टेरिटोरी कहला माने हमें जो कहे इंडिया इज अ यूनियन ऑफ टेरिटोरीज ओके तो मैंने कौन मैंने गोटे यूनियन ऑफ जियोग्राफिकल एरियाज के स्टेट एंड यूटी मिसिके इंडिया फॉर्मेशन होने यहाँ कौन होटा हो जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो आंसर ए हो देन द मिनिमम एज ऑफ वोटिंग वाज 21 इयर्स सिंस व्हेन द मिनिमम एज ऑफ वोटिंग हमर 21 इयर्स थिला केबे पर्यंत 1984 जाए तापरे एठी 61st अमेंडमेंट एक्ट हेला एंड तापरे 18 इयर्स हे गला देन व्हाट हैपेंस इन जनरल इलेक्शंस द जनरल इलेक्शन हमर जो हुए अपन देखी थे कि सब कॉन्स्टिट्यूएंसी रे आमर पूरा आमर डिस्ट्रिक्ट हो आमर ब्लॉक हो ताको डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी रे डिवाइड करंती देन ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी माने आपनको कॉन्स्टिट्यूएंसी अंडर रे आछंती एंड देन आपन जे के सेठी वोट आपनकर दे परिबे तो एटा कोन हबो इलेक्शंस आर हेल्ड इन द ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसी एट द सेम टाइम आइदर ऑन द सेम डे एडा पॉसिबल हे पारे एथिपाई का बिकज जेहेतु आम सब डिवाइड कर दियंती प्रॉपरली ताकि आम एफिशिएंट फंक्शनिंग करें गोटे डेरे हो जाए ओके दे डिवाइड इट डिवाइड फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग ठीक अच्छे तो सेटा है आंसर हमारे ए तो जनरल इलेक्शन बिकज फ्यू कॉन्स्टिट्यूएंसी रे तो हुए नहीं बिकज आम जितकि भी गोटे स्टेट की यूटी जितकि भी पॉपुलेशन था तो सेठू कहीं ना कहीं तो रिप्रेजेंटेशन गोटे कर फ्यू कॉन्स्टिट्यूएंसीज तो हेनी और डिफरेंट डेज रे तो हुए नहीं आप सब जानते गोटे ही डे आम इलेक्शन हुए साइमल्टेनियसली सब एरिया ओके देन वोटर्स लिस्ट आम वोटर्स लिस्ट को आउ कौन कहीपर वोटर्स लिस्ट को आम इलेक्टोरल रोल भी कहा जाए ओके तो वोटर्स लिस्ट वोटर आइडेंटिटी कार्ड तो हम नहीं वोटर आइडेंटिटी कार्ड हमको इलेक्शन दबापाई का वी हैव टू शो दैट येस वी आर एलिजिबल ओके से वोटर्स लिस्ट को आम इलेक्टोरल रोल भी कहा जाए सो येस दिस वाज ऑल द आज क्लास का जियोग्राफी एंड पॉलिटी इतक क्वेश्चन थी सो सब क्वेश्चन को भलसे प्राक्ट करूँ को क्वेश्चन को पार्ट रू बेसिक क्वेश्चन आसी
ताकु एनालाइज इट एंड से पार्ट पर बेसी फोकस देके स्टडी करंतु. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.